दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मैथ एंड साइंस। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान। लास्ट वीडियोस जो हमारे 30 वीडियोस के आसपास थे वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पे बेस्ड थे। वो एक्सरसाइज पूरी तरीके से फिनिश हो गई है और आज हम आपके सामने एक नई एक्सरसाइज लेकर के आ रहे हैं, एक्सरसाइज 15, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे प्रायिकता। जो 10th लेवल में प्रायिकता आई हुई है उसका लेवल बहुत ही कहेंगे आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप किताबों में प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इसे जुआड़ियों का खेल कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि दो चीजें अक्सर निकालने के लिए आती है। पहली तो ये होती है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या है और दूसरी चीज ये होती है कि किसी घटना के ना होने की प्रायिकता क्या है। अर्थात हम समझ गए कि यहां पर घटना का होना और ना होना, बस केवल इन दो चीजों के बारे में जानकारी देनी है और चैप्टर बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे आपको दो चीजें बार बार मिलेंगे। एक आपको तो मिलेगा पीई। ये पीई का मतलब क्या है? तो ये पीई दर्शाता है इस बात को कि कोई घटना घटित हो रही है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पीई का मतलब क्या होता है। तो पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब होता है इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता और इवेंट मींस होती है घटना। अर्थात कहीं पर अगर लिखा हुआ है पीई तो इसका मतलब है कि वो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। इसी तरीके से हम नीचे देखेंगे, ये भी चीजें आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगी, पीई बार। ये पीई बार क्या है? तो ई बार का मतलब है नहीं हो रही है घटना या घटना नहीं हो रही है। तो अगर कहीं यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा पीई बार तो इसका मतलब ये पी से हो गया प्रोबेबिलिटी और ई बार से हो गया नॉट इवेंट, मतलब किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता पीई बार कहलाते हैं। अब हम आगे चलेंगे। देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल सदैव एक रहता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। अर्थात किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योगफल सदैव एक होता है। आप अगर हिंदी में इस फार्मूले को याद करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। अर्थात हम यहां से आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें दी गई है और हमसे ये पूछा जाए कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये घटना घटित नहीं होगी, तो हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग कर देंगे, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से यदि किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता दी गई है और आपसे पूछ लिया जाए कि घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तब भी आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए तीन तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो घटना इस तरीके की होती है कि जो घटित तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरी घटना क्या होती है? दूसरी घटना ये होती है कि घटना 100% घटित ही होगी। और तीसरी किस तरीके की घटना होती है? तीसरी जो घटना होती है वो ये होती है कि घटना कभी भी घटित नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि अमूमन हमें सवालों में तीन तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। पहली तो ये मिलेगी कि घटना घटित तो हो सकती है या फिर घटना घटित नहीं हो सकती। दूसरी क्या मिलेगी? कि निश्चित ही घटना घटित तो होगी। और तीसरी क्या मिलेगी? कि घटना घटित तो नहीं होगी कभी भी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें या आपको समझाने के लिए कहें तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे सपोज करिए कि एक छोटा सा गांव है और वहां पर एयरपोर्ट नहीं है, तो मैं अगर ये कहूं कि कल सुबह उस गांव से हवाई जहाज उड़ान भरेगा, इस बात की प्रायिकता क्या है?
तो आपको पता है इस बात की प्रायिकता है जीरो, क्योंकि उस गांव में जब है हवाई जहाज नहीं है, हवाई पट्टी नहीं है, तो हवाई जहाज कैसे उड़ सकता है। तो यहां पर आपको पता है ये घटना कभी भी घटित नहीं हो पाएगी, इसलिए इस घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो हमें पता है कि उस गांव में ना हवाई जहाज है ना वहां पर हवाई पट्टी है, तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? शून्य है, अर्थात 100% ये घटना कभी घटेगी ही नहीं। तब तक नहीं घटेगी जब तक कि उस गांव में हवाई पट्टी या हवाई अड्डा ना बनाया जाए। इसी तरीके से जैसे मैं ये कह दूं कि कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो आपको पता है कि इस बात की प्रायिकता है शून्य, क्योंकि 100% कल मॉर्निंग में सूरज निकलना ही निकलना है। आप अगर तर्क के रूप में कहना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि सर कल बरसात से सूरज नहीं निकलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन सूरज निकलना एक निर्धारित क्रिया है। अर्थात अगर ये कहा जाए कि कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो इस बात की प्रायिकता जो है वो शून्य है, क्योंकि ये घटना जो है गलत है। अब जैसे कि ये कह दें हम आपसे कि कल सुबह सूरज निकलेगा, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो आपको पता है इस बात की प्रायिकता है एक, क्योंकि ये घटना निश्चित है, कल सुबह 100% सूरज निकलना ही निकलना है। तो अभी आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रायिकता क्या होती है। जो घटना निश्चित होगी अर्थात जिसके ना होने की कोई भी कंडीशन ना हो, उसकी प्रायिकता होती है एक। जो घटना कभी नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता होती है जीरो, और जो घटना हो सकती है उसकी प्रायिकता सदैव जीरो से लेकर के एक के बीच में होती है। अच्छा, किसी चीज की प्रायिकता ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है? तो प्रायिकता ज्ञात करने का फार्मूला आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दे रहे हैं कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम परिणाम बटे कुल परिणाम। यह फार्मूला होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहां पर हम बताना चाहते हैं अनुकूल परिणाम क्या है, कि जैसे एक सवाल दिया गया है कि एक झोले पे काले रंग की और लाल रंग की गेंदें पड़ी हुई है, झोले से लाल रंग का गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको पता है ये जो लाल रंग का गेंद प्राप्त किया जा रहा है ये एक अनुकूल घटना है। तो यहां पर मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि कुल कितने परिणाम बन सकते हैं, कुल कितनी गेंदें बाहर आ सकती हैं, और उनमें अनुकूल परिणाम क्या है, दैट मीन्स कि वो कितने कौन से परिणाम है जिनमें लाल रंग की गेंद को हम बाहर ला रहे हैं। ठीक है, अभी इसी सवाल में थोड़ा सा हम चेंज मिल लाते हैं। एक झोले में लाल रंग की और काले रंग की जो गेंदें दी गई हैं, और आपसे एक आ जाए कि झोले से लाल रंग का गेंद ना प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो अभी आपको पता है कि अनुकूल परिणाम क्या है, लाल रंग का गेंद ना प्राप्त होना। तो आपको समझाना चाहते हैं कि अनुकूल परिणाम का मतलब ये होता है कि अनुकूल परिणाम हां में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है। और हम ये कह दें कि लाल रंग का गेंद ना प्राप्त होने की, तो हम ये बोल दें कि ना प्राप्त होना है तो ये अनुकूल परिणाम नहीं है। तो उम्मीद है कि प्रायिकता का जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है वह आपको पसंद आया होगा। अभी एक्सरसाइज में चलेंगे और ब्रीफ तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान, जल्द ही मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, और जल्द ही हम आपके लिए इंटरमीडिएट के फिजिक्स का सोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं न्यूमेरिकल के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।